मैंने भी आपको ज्वाइन किया है। आप जो है पिछले दहाइयों से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अब अपना भरपूर किरदार अदा करती है, हर लम्हा हर वक्त। खसूसी तौर पर हमारे मियां जो निसार साहब, मियां छपकत साहब, मियां मोहम्मद अली साहब, डीजे मलिक साहब, सारे माशाल्लाह जो हैं लाहौर चैम्बर में ताजर बरादरी की प्रमोशन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट प्याफ में लाहौर की बड़ी सन्नती व तजारती तंजीमों और रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला जारी। मारूफ ताजर रहनुमा मियां जावेद की क्यादत में लाहौर की दर्जनों ताजर तंजीमों और रहनुमाओं ने भी प्याफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। प्याफ के मरकजी ऑफिस में मियां जावेद की क्यादत में लाहौर की तमाम मार्केटों से आने वाले सैकड़ों ताजर रहनुमाओं ने प्याफ में शमूलियत का ऐलान किया। प्याफ 25 साल से ताजरों की अमली खिदमत का फरीजा तनदही के साथ अंजाम दे रहा है। ताजरों और सनतकारों को प्याफ के प्लेटफॉर्म पर मुतहद करके मसाइल का अजाला यकीनी बना रहे हैं। प्याफ में हर ताजर और हर मेंबर को भरपूर नुमाइंदगी और इज्जत देने के साथ मसाइल के हल को यकीनी बना रहे हैं, जिसकी बदौलत आए रोज ताजर रहनुमा प्याफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सरपरस्ती आला प्याफ मियां जुम निसार, चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर, साबिक चेयरमैन मोहम्मद अली मियां, मियां शफकत, इरफान इकबाल शेख का मियां जावेद और दीगर ताजर रहनुमाओं की प्याफ में शमूलियत के मौके पर तकरीब से खिताब। प्याफ के मरकजी ऑफिस में होने वाली तकरीब के मौके पर साबिक सदर FPCCI मियां जुम निसार, चेयरमैन प्याफ मियां नुमान कबीर, फाउंडर चेयरमैन प्याफ मियां शफकत, नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताहिर मंजूर चौधरी, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन FPCCI पंजाब मोहम्मद अली मियां, सुहेल लाशारी, ताहिर जावेद मलिक, अरशद भट्टी, शेख सजाद अफजल, अली अफजल, मसूद निजामी, शेख अब्दुल मनान, अदनान सहगल, मोहम्मद अबू बकर समेत प्याफ के दीगर कायदीन तकरीब के मौके पर मौजूद थे। जबकि तकरीब के मौके पर मियाँ जावेद अली, हाजी इनाम इलाही, मियां सईद डेरे वाले बाबर भट्ट, मियां तनवीर रियाज समेत मियां जावेद की क्यादत में आने वाले ताजरों की कसीर तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर प्याफ के मरकजी कायदीन की जानिब से मियां जावेद को हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया गया और प्याफ में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशामदीद कहा गया। तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए प्याफ के कायदीन का कहना था कि खिदमत के सफर को मजीद तनदही और मेहनत के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। प्याफ में शामिल होने वाले तमाम मुअज्जिज़ मेहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद और दीगर ताजर रहनुमाओं का कहना था कि प्याफ ने ताजरों की नुमाइंदगी का हक अदा किया। प्याफ की ताजर दोस्त पॉलिसियों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए इकदामात से मुतासिर होकर प्याफ में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्याफ को माजी वजूद में आए, अभी 25 साल के करीब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ग्रुप के अंदर जावेद साहब और मियाँ सईद साहब डेरे वाले वो शामिल हुए हैं, बहुत सारी कसीर तादाद में उनके दोस्त भी आए हैं। इंशाल्लाह ये एक अच्छी शमूलियत होगी और प्याफ को भी मजबूत करेंगे फर्दर। और इंशाल्लाह जो प्याफ का जो बेसिक एम है कि बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व करना, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना, चाहे वो ट्रेड का हो चाहे वो इंडस्ट्री का हो, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी शमूलियत है। आप जो है पिछले दहाइयों से जो हमारी ताजर बरादरी है उस हवाले से वो अपना भरपूर किरदार अदा करती है, हर लम्हा हर वक्त, जब भी जिस वक्त भी पाकिस्तान पर कोई आफत आए बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेती है। आज प्याफ में जिस तरह मियाँ जावेद अली साहब और मियाँ सईद डेरे वाले जो हैं, उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों और दर्जनों तंजीमों के साथ जिस तरह शमूलियत का ऐलान किया है, मैं इस सिलसिले में ना सिर्फ इनका शुक्रगुजार हूँ बल्कि इंशाल्लाह ताला लाहौर की बिज़नेस की तारीख में ये दिन सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। प्याफ के खिदमत के सफ़र में, प्याफ की कामयाबी की इस सफ़र में आज लाहौर की बिज़नेस कम्यूनिटी की एक बड़ी जाने पहचानी हस्ती मियाँ जावेद साहब अपने तमाम जो इनकी तरी तंजीमें हैं, ताजा तंजीमें हैं, उनके साथ प्याफ में शामिल हुए। आज का दिन इसलिए ज़्यादा खुश है कि हमारे मियाँ जावेद साहब जो हैं उन्होंने हमारे साथ शमूलियत की है, उनके साथ और भी काफ़ी कारोबारी तंजीमों ने
हमें ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह जैसे प्याफ अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करती रहती है, लाहौर चैम्बर में, फेडरेशन में, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए हमारी पॉलिसीज़ हैं, अल्लाह ताला इसमें हमारी जो भी सोच है, हमारे जो भी काम हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए हर वक्त लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे। आज माशाल्लाह मियां जवेद साहब अपने सरपरस्त आला मियां सईद साहब डेरे वालों के साथ अपनी पूरी टीम के साथ प्याफ में ज्वाइन किया है। हम उनको वेलकम करते हैं और हमारी ब्रांडेड थ्रोट की टीम और स्ट्रेंथन हुई है और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मियां साहब और हम मिलके प्याफ को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। आज मैं मियां जावेद अली साहब की क़ियादत में प्याफ में शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मियां जावेद अली साहब की क़ियादत में दिन और रात प्याफ के लिए वर्क करूँगा, काम करूँगा और शहर लाहौर के ताजिरों के हकूक़ के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। जैसा कि आज सारे दोस्त इधर मियाँ जावेद अली साहब के लिए यहाँ पर जितनी भी प्याफ फैमिली इकट्ठी हुई है, तो मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप का जो है ये एक खुशाइंद फैसला है और मियां जावेद अली साहब की सूरत में प्याफ में एक और प्याफ फैमिली में सितारा ऐड होने जा रहा है। प्याफ के अंदर जो है वो आज मियां जावेद साहब की जो है शमूलियत प्रूफ किया है कि प्याफ जो है उसकी पॉलिसीज़ जो है ना वो हमेशा से ताजर के लिए जो है ना वो अच्छी रही हैं। और मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दूँगा कि पानी जो है वो 2011 पे जो है ना वो गर्म रहता है लेकिन 2012 के ऊपर वो जो है बॉयलिंग हो जाता है। तो ये जो है ना मिसाल मैंने मियां अंजुम निसार साहब की दी है कि लीडर जो हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है मोमेंटम होता है और उसी मोमेंटम ने आज जो है ना प्याफ के अंदर जो है ना एक चार चांद लगा दिए हैं। आज एक बहुत खूबसूरत और एक खुश आइन जो इकदाम उठाया जैसे मियाँ जावेद साहब ने प्याफ को ज्वाइन किया। मैं असल में ये बात कहूँगा कि हमारे जितने भी कायदीन हैं जिनमें मोहम्मद मियाँ साहब, अंजुम निसार साहब और मियाँ नुमान कबीर साहब, इनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो इस वजह से है क्योंकि जितने भी मसाइल होते हैं ताजरों के ये इसी प्लेटफॉर्म से हल करते हैं